नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आजकल मुजफ्फरपुर की घटना के बारे में है। बिहार के मुजफ्फरपुर में काफी दुखदायक बच्चों के साथ रेप की घटना सामने आई। तो आर्टिकल यह है इकोनॉमिक टाइम्स का कि देखो, नारी निकेतन, बालिका गृह, इन सब जगहों पर इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार होता है, रेप्स होते हैं या फिर उन्हें सर्वेंट्स की तरह काम करवाया जाता है, इन सब चीजों पर कैसे लगाम लगाई जाए। तो इकोनॉमिक टाइम्स में काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर केस स्टडी भी आती है एथिक्स में, तो आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी पॉइंट्स हैं। तो आर्टिकल में देखो कहा जाता है, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट की सहायता से बालिका गृह और नारी निकेतनों में इस प्रकार की घटनाओं पे लगाम लगाया जा सकता है। और ओवरसाइट तीन लेवल पे होना चाहिए। सबसे ऊपर के लेवल पे ओवरसाइट होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा, और उसके बाद नीचे के लेवल पे ओवरसाइट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इवन उससे भी नीचे नारी निकेतन या फिर बालिका गृह के आसपास जो लोकल लोग रहते हैं उनके द्वारा भी समय समय पे ओवरसाइट होना चाहिए, ऐसा प्रोविजन सरकार करे। उसके बाद इस प्रकार के नारी निकेतनों को या फिर बालिका गृह को लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया जाए, तभी इस प्रकार के बालिका गृह या फिर नारी निकेतन ओपन हो। बिना लाइसेंस के कोई भी बालिका गृह या फिर नारी निकेतन ओपन ना हो, और लाइसेंस के लिए पहले कंडीशंस होनी चाहिए। बेसिक कंडीशंस पूरी हो तभी लाइसेंस मिले, और बेसिक कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर किया जा सकता है, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इस प्रकार की जगहों पर, बेसिक एमिनिटीज देना जरूरी है तभी लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी तय की जा सकती है। अगर इस प्रकार की जगहों पर कुछ भी गलत होता है तो पूरी तरह से जवाबदेही होगी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट पॉइंट, हो सके तो गवर्नमेंट इंश्योर करे कि सिर्फ महिलाएं ही चलाएं इस प्रकार के नारी निकेतनों को। उसके बाद पॉइंट आता है बैकग्राउंड चेकिंग का। जो स्टाफ काम करता है इस प्रकार के नारी निकेतनों में, उनकी थोरोली बैकग्राउंड चेकिंग होनी चाहिए। क्या उनका इतिहास इस प्रकार से रहा है, पहले वो किसी क्राइम में संलिप्त पाए गए हैं? अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों को नौकरी ना दी जाए नारी निकेतनों में। डॉक्टर्स, नर्सिस, उनकी भी समय समय पे विजिट होना जरूरी है नारी निकेतनों में। अगर बच्चियों को तंग किया जा रहा है, महिलाओं को तंग किया जा रहा है, तो पता लग सके। और सबसे लास्ट में पॉइंट आता है कि इस प्रकार के बालिका गृहों और नारी निकेतनों की लिंकेज आवश्यक है स्कूल से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, या फिर लोकल कोई बिजनेस फर्म्स हैं उनसे, ताकि जो नारी निकेतनों में महिलाएं हैं वो भी काम करना सीख सकें और धीरे धीरे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।